इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। मोदी आज 71 साल के हो गए। मेरी तरफ से, इंडिया टीवी के पूरे परिवार की तरफ से मोदी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नरेंद्र मोदी स्वस्थ रहें, सेहतमंद रहें और देश के लिए शुभ काम करते रहें। आज मोदी के बर्थडे पर एक बहुत शुभ काम हुआ, एक बड़ा काम हुआ। आज पूरे देश ने मिलकर कोरोना के खिलाफ जंग में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। आज सिर्फ 9 घंटे में 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की डोज दी गई और यह बहुत बड़ी सफलता है। 9 घंटे में 2 करोड़ डोज का क्या मतलब है, यह समझने की जरूरत है। इसका मतलब है हर सेकेंड में 618 डोज, हर मिनट में 37,037 डोज। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस लेवल पर, किस स्पीड से यह काम हुआ। और मैं आपको बता दूं कि यह काम अभी जारी है, रात 12 बजे तक चलेगा। इस वक्त भी कोरोना मीटर फुल स्पीड में भाग रहा है। एक दिन में इतनी बड़ी संख्या में कोरोना वैक्सीन की डोज पूरी दुनिया में न कहीं एडमिनिस्टर हुई और न कोई देश इसके बारे में सोच भी सकता है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन को खास बनाने के लिए भारत ने यह कारनामा करके दिखाया। इसमें केंद्र सरकार ने वैक्सीन की सप्लाई की, राज्य सरकारों ने वैक्सीन सेंटर्स का इंतजाम किया, डॉक्टर्स ने निगरानी की और नर्सेज ने वैक्सीन लगाई और आम लोग पूरे जोश के साथ वैक्सीनेशन सेंटर्स पर पहुंचे। सबने अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाई और पूरे देश ने मिलकर मोदी के बर्थडे को ऐतिहासिक गिफ्ट दिया। यह टारगेट अचीव करना कोई आसान काम नहीं था। मैं आपको बताऊंगा कि 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन कैसे लगी, इसके लिए क्या क्या इंतजाम हुए, कैसे कैसे पापड़ बेलने पड़े, कितनी तैयारी हुई, कैसे कोऑर्डिनेशन हुआ। जो लोग चीन के हिमायती हैं, जो बताते थे वैक्सीनेशन में कैसे चीन ने भारत को पीछे छोड़ दिया, आज उन्हें भी करारा जवाब मिला। इस समय मीटर में जो नंबर दिख रहा है उसने चीन को पीछे छोड़ दिया है। ये जो वैक्सीनेशन मीटर आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये इस वक्त भी रुका नहीं है और रात 12 बजे तक इसी तरह चलता रहेगा। इसका मतलब यह है कि हमारे हेल्थ वर्कर्स इस वक्त भी उसी रफ्तार से काम कर रहे हैं। कोरोना वैक्सीन अभी भी तेजी से लगाई जा रही है, लेकिन इस वक्त सबके मन में यह सवाल है, यह सब कैसे हुआ, चंद घंटों के अंदर 2 करोड़ से ज्यादा टीके कैसे लग गए। मैं आपको बता दूं कि आज जिस तरह से स्टेट्स और सेंटर ने मिलकर काम किया, ऐसा कोऑर्डिनेशन पहले नहीं दिखता था। बीजेपी के सरकार वाले राज्यों के साथ नॉन बीजेपी सरकार वाले स्टेट्स ने भी जबरदस्त रफ्तार से वैक्सीन लगाई। एक दिन में 2 करोड़ से ज्यादा टीके लगाने के पीछे जिस तरह का मैनेजमेंट था, जैसा कोऑर्डिनेशन था, वो देखने और समझने लायक है। मोटे तौर पर देखें तो 2 करोड़ वैक्सीन आज 9 घंटे में लग गई, यानी हर घंटे 22 लाख से ज्यादा डोज, हर मिनट 37,000 और हर सेकेंड 618 टीके लगाए गए। आज सुबह 8 बजे से यह वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हुई और देखते देखते 6 घंटे से भी कम वक्त के अंदर पूरे देश में 1 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज लग गई थी। लेकिन अगले 2 घंटे में वैक्सीनेशन ने जबरदस्त रफ्तार पकड़ी। अगले 2 घंटे के अंदर पूरे देश में 50 लाख और कोविड वैक्सीन के टीके लगा दिए गए, यानी 8 घंटे से भी कम वक्त में 1.5 करोड़ वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेट की गई और फिर अगले 1 घंटे में फिर से 50 लाख टीके लगे। सरकार का टारगेट तो यह था कि रात 12 बजे तक, यानी 15 घंटे में 2 करोड़ वैक्सीन लगाई जाए, लेकिन यह लक्ष्य सिर्फ 9 घंटे में हासिल हो गया। और जैसे ही शाम 5 बजे 2 करोड़ वैक्सीन डोज का टारगेट अचीव हुआ, हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया ने इसे दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में कोविड वॉरियर्स के साथ सेलिब्रेट किया। उनकी मेहनत को, उनके जज्बे को सलाम किया। लेकिन मांडविया यही नहीं रुके, उनकी अप्रोच यह है कि वैक्सीनेशन का काम अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी बहुत दूर जाना है। सबको वैक्सीन लगाने से पहले न रुकना है न थकना है, इसलिए मांडविया ने सिर्फ 3 शब्द कहे और फिर अपने काम में लग गए। थैंक यू ऑल हेल्थ वर्कर्स, वेल डन इंडिया। इस समय 2 करोड़ 24 लाख से ज्यादा लोगों को आज के दिन में वैक्सीनेशन लग चुका है।
आज जो हुआ उसकी बड़ी खासियत यह है कि काम टीम भावना से हुआ। आज उन राज्यों में भी जबरदस्त वैक्सीनेशन हुआ जो अब तक इस मामले में पीछे थे। बिहार का एग्जाम्पल लेते हैं, आज बिहार में अभी तक 26 लाख से ज्यादा वैक्सीन के डोज लग चुके हैं। ये एक दिन में लगाई गई वैक्सीन डोज की सबसे बड़ी संख्या है, अपने आप में रिकॉर्ड है। बिहार में करीब 5 करोड़ वैक्सीन की डोज लग चुकी हैं और इसमें भी गांव में, देहात में, शहरी इलाकों से ज्यादा टीके लगे हैं। आज चली वैक्सीनेशन ड्राइव पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद नजर रखे हुए थे। वैक्सीनेशन शुरू होने के 2 घंटे बाद ही नीतीश कुमार एक सेंटर पर पहुंचे, वहां के इंतजामात का जायजा लिया और फिर कहा एक दिन में 30 लाख का टारगेट रखा था लेकिन लग रहा है कि आज टारगेट से ज्यादा वैक्सीन लगेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी दिवस के अवसर पर ही हम लोगों ने सोच करके कहा कि आज सबसे ज्यादा टीकाकरण कराएंगे। उन्होंने कहा 30 लाख से ज्यादा करेंगे। अब मैं विशेष तौर पर स्वास्थ्य विभाग को भी धन्यवाद देता हूं और आज के इस अवसर पर मैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी को उनके जन्म दिवस के अवसर पर मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। नीतीश कुमार इतने कॉन्फिडेंट इसलिए दिख रहे थे क्योंकि उन्होंने कई दिन पहले से ही सारी तैयारियां कर ली थी और सभी जरूरी निर्देश दिए जा चुके थे। बिहार में वैक्सीनेशन के लिए 50,000 स्वास्थ्य कर्मियों को तैनात किया गया था, करीब 15,000 सेंटर बनाए गए थे, अकेले पटना में 821 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए थे और इसके लिए 18,443 वैक्सीनेटर और 28,202 डेटा एंट्री ऑपरेटर्स की ड्यूटी लगाई गई। वैक्सीन स्टोर करने के लिए 650 से ज्यादा कोल्ड चेन पॉइंट बनाए गए, यानी वो जगह जहां से वैक्सीन छोटे छोटे कस्बों में, गांव में, देहात में पहुंच सके। हालांकि कई जिलों में बारिश की वजह से वैक्सीन की रफ्तार दोपहर में थोड़ी धीमी पड़ गई लेकिन इसके बावजूद बिहार में वैक्सीनेशन के आज सारे रिकॉर्ड टूट गए। बिहार ने जुलाई से दिसंबर तक 6 महीने में 6 करोड़ वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा है और जैसा मैंने आपको बताया कि आज की वैक्सीनेशन के बाद बिहार में वैक्सीनेशन की फिगर 5 करोड़ के पास पहुंच गई है। ऐसे में दिसंबर से काफी पहले इस लक्ष्य को हासिल करने की उम्मीद है। संध्या 6 बजे तक जो जानकारी मिली है 23 लाख के आंकड़े को हम पार कर चुके हैं, तो निश्चित रूप से देर रात तक का जो आंकड़ा आता है हम 30 लाख के लक्ष्य को हम प्राप्त करेंगे। और इस आंकड़े को प्राप्त करने में निश्चित रूप से योजना बनानी पड़ी, प्रयास करने पड़े, उनको सप्लाई चेन मेंटेन किया गया, उनके लिए कोल्ड चेन की व्यवस्था की गई और फिर डाटा अपडेट करने के लिए जो डाटा चढ़ाने वाले लोग हैं उन लोगों की व्यवस्था की गई, तो पूरी एक बड़ी योजना और कार्यक्रम बनाई गई और इसमें संपूर्ण हमारे जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का योगदान रहा। 100% वैक्सीनेशन का लक्ष्य है, हम उसके बहुत अब करीब होंगे। नहीं देखिए, हम लोगों ने लक्ष्य रखा था शुरू में जब 21 जून को मुख्यमंत्री जी ने कार्यक्रम लॉन्च किया था 6 माह 6 करोड़, तो जो 6 करोड़ का लक्ष्य रखा था इस महीने के अंत तक ही, वो लक्ष्य हम लोगों ने दिसंबर तक के लिए रखा था लेकिन इस सितंबर के समाप्त होते ही हम 5.5 करोड़ डोज तो पूरा कर लेंगे, तो दिसंबर तक हम काफ़ी आगे बढ़ जाएंगे और लक्ष्य को पूरी तरीके से हम प्राप्त कर लेंगे, इसमें कहीं कोई शंका संदेह नहीं। बिहार का उदाहरण मैंने आपको इसलिए दिया क्योंकि बिहार के बारे में कहा जाता है वहाँ ना हेल्थ सर्विसेज हैं, ना हेल्थ वर्कर्स हैं, ना हॉस्पिटल ठीक से चलते हैं और कोई काम ठीक से नहीं होता, लेकिन बिहार ने इस सबको आज गलत साबित करके दिखाया। इसी तरह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और गुजरात जैसे राज्यों में भी 90 लाख से ज़्यादा वैक्सीन की डोज एडमिनिस्टर की गई। उत्तर प्रदेश के वैक्सीनेशन के मामले में पहले से ही पहले नंबर पर है और आज भी यूपी में करीब 25 लाख वैक्सीन की डोज लगी, कर्नाटक में 27 लाख, मध्य प्रदेश में 23 लाख और गुजरात में 20 लाख से ज्यादा टीके लगाए गए। और जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं उस वक्त भी इन स्टेट्स का वैक्सीन मीटर लगातार अपडेट हो रहा है, यानी फाइनल फिगर और ज्यादा बढ़ सकती है। लखनऊ से हमारे संवाददाता विशाल प्रताप सिंह ने बताया कि अकेले लखनऊ शहर में आज 1 लाख से ज्यादा टीके लगा दिए गए। इसी तरह भोपाल और इंदौर में भी वैक्सीन के पिछले सारे रिकॉर्ड टूट गए। दिल्ली में भी 1 लाख से ज्यादा कोविड वैक्सीन आज लगाई गई। आज शाम को जब 2 करोड़ वैक्सीन का टारगेट अचीव हुआ तब हमारे संवाददाता निर्णय कपूर अहमदाबाद के एक वैक्सीनेशन सेंटर में थे। निर्णय ने बताया कि वैक्सीन के लिहाज से आज गुजरात में भी पिछले सारे रिकॉर्ड टूट गए। डेली एवरेज से 3 गुना ज्यादा डोज आज लगाई गई।
गुजरात में अमूमन जो एवरेज वैक्सीनेशन हो रहा था अब तक पिछले डेढ़ दो महीनों में वो करीब 5 लाख 5.5 लाख के आसपास होता था, लेकिन आज के दिन करीब देर शाम तक जो वैक्सीनेशन के आंकड़े मिल रहे हैं वो 15.25 लाख से भी ज़्यादा हैं, यानी जो नॉर्मल वैक्सीनेशन हो रहा था उससे 3 गुना ज़्यादा वैक्सीनेशन हुआ है। सूरत के अंदर सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन हुआ है सूरत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में, जहाँ 1,35,000 से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया गया है। इसके अलावा अहमदाबाद में देर शाम तक 1,15,000 लोगों को डोजेज़ दिए गए हैं आज वैक्सीनेशन के। और बता दें कि रात 10 से 12 बजे तक ये ड्राइव यूं ही चलता रहेगा। सुबह काफ़ी लंबी लंबी कतारें थी, लोगों को जैसे जैसे पता चल रहा है वो आ रहे हैं, वैक्सीन लगवा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि ऐसा इसलिए संभव हो पाया क्योंकि सिस्टम जो है वो पहले से पूरी तरह टेस्ट किया जा चुका था। ड्राई रन के दौरान ही इस तरह की व्यवस्था की गई थी गुजरात में कि यदि डेली 15 लाख डोजेस भी देने पड़े तो उसकी पूरी व्यवस्था की जा सकती है। और ऐसा आज हमें देखने को भी मिला। करीब 10,000 वैक्सीनेशन साइट्स पूरे स्टेट में कार्यरत की गई थी। अहमदाबाद जैसे बड़े शहरों में 650 वैक्सीनेशन साइट्स जो हैं कार्यरत की गई थी, और उसकी वजह से आप देख सकते हैं कि ये परिणाम हासिल हुए, जिसमें स्वास्थ्य विभाग की टीमों के अलावा जो दूसरे डिपार्टमेंट हैं उनको भी लॉजिस्टिक सपोर्ट्स के लिए एम्प्लॉय किया गया। नोट करने वाली बात यह भी है कि ये रिकॉर्ड सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों में नहीं बने बल्कि उन राज्यों के अंदर भी जबरदस्त वैक्सीनेशन हुआ जहां पर ये शिकायतें आती रही हैं कि सरकार उनके साथ वैक्सीन को लेकर भेदभाव करती है। आज राजस्थान और महाराष्ट्र जैसे कांग्रेस शासित राज्यों में भी 23 लाख से ज्यादा टीके लगाए गए, आंध्र प्रदेश में 10 लाख से ज्यादा टीके लगे, पश्चिम बंगाल में 3.5 लाख से ज्यादा वैक्सीन की डोज लगी। कुल मिलाकर पूरे देश में आज 1,10,000 से ज्यादा वैक्सीनेशन सेंटर्स एक्टिव थे, सबने मिलकर काम किया और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। जब ये शुरू हुआ था तो हम लोग 40 लाख कर रहे थे एक दिन में, बढ़ते बढ़ते 1 करोड़ पे ले गए, पर आज 3 बजे तक ऑलरेडी 1,35,00,000 हो गया था। तो मैं समझता हूँ कि इसमें दो चीज़ें, एक तो माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है तो लोगों ने उसके लिए भी स्पेशल एंथुजियाज्म दिखाई, पर आप देखिए हमारी ये जो संजीवनी मतलब वैक्सीनेशन प्रोग्राम ओवरऑल कहाँ तक पहुँच गया। आप अमेरिका की पूरी जनसंख्या देखें, यूरोप की देखें, और देशों की मिला लें तो इतने तक नहीं पहुंचती, समझे ना। और शुरू शुरू में हमारे विरोधी दल जो सब बोल रहे थे जी कहाँ गई वैक्सीन, क्या हुआ, और वो भ्रम फैला रहे थे, झूठ फैला रहे थे, उसके कारण वैक्सीन हेजिटेंसी हुई। अभी तो असली खुशी की बात है, वैक्सीन हमारे यहाँ बन रही है बड़ी लार्ज नंबर्स में, और वैक्सीनेशन ड्राइव जो है मैच्योरिटी तक पहुंच गई है। हरदीप पुरी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, दुनिया भी हमारी उपलब्धि को देखकर हैरान है। अब तक किसी भी मुल्क में एक दिन में 2 करोड़ वैक्सीन डोज नहीं लगाई गई। ये कितना बड़ा फिगर है इसका अंदाजा आपको इस बात से लग सकता है कि आज जितने टीके लगे उतने न्यूजीलैंड, फिनलैंड, कुवैत और सिंगापुर की पूरी आबादी वैक्सीनेट कर सकते हैं। 2 करोड़ वैक्सीनेशन में स्विट्जरलैंड और यूएई की पूरी जनता को 2 बार वैक्सीनेट किया जा सकता है। भारत सरकार के मुताबिक इस वक्त पूरी दुनिया में जितने टीके रोजाना लगाए जा रहे हैं उनके 1/4 से ज्यादा 1/4 यानी 25% से ज्यादा वैक्सीन रोज भारत में लगती है। अब तो कुल वैक्सीनेशन के मामले में हमारा देश नॉर्थ और साउथ अमेरिका के बाद यूरोप से भी आगे निकल गया है। कैनेडा, यूके, जर्मनी, इटली, फ्रांस, जापान और पाकिस्तान ने सबने मिलाकर 65 करोड़ डोज ही लगाई है, जबकि हिंदुस्तान ने 79 करोड़ टीके लगा दिए हैं। वैक्सीनेशन के लिए आज बड़ी सफलता का दिन है, मौका अच्छा है तो वैक्सीनेशन के बारे में कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। जब कोरोना का वायरस तेजी से फैलना शुरू हुआ था किसी को उम्मीद नहीं थी कि भारत में अपनी वैक्सीन बन सकती है। लोग सोचते थे अमेरिका अपनी वैक्सीन बनाएगा, पहले अपने लोगों को लगाएगा और फिर जैसा होता आया है बची हुई वैक्सीन हमें देगा। नरेंद्र मोदी ने इस सोच को बदला, वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों को हौसला दिया, सहायता दी, सपोर्ट दी, और देखते ही देखते 2-2 वैक्सीन हमारे यहां डेवलप हो गई। वैक्सीन बनने से पहले ही
वैक्सीनेशन करने वाले हेल्थ वर्कर्स की बड़े पैमाने पर ट्रेनिंग हुई, वैक्सीन स्टोर करने का, ट्रांसपोर्ट करने का, सिरिंज उपलब्ध कराने का पूरा प्लान एडवांस में बनाया गया। और जब वैक्सीन आ गई तो सबसे पहले हेल्थ वर्कर को वैक्सीन लगाने का फैसला हुआ। आपको हैरानी होगी कि पहले दौर में हेल्थ वर्कर्स भी वैक्सीनेशन के लिए पूरी तरह आगे नहीं आए थे, उनको वैक्सीन लगाने का प्रोसेस बहुत धीरे धीरे चला। जब जनता के लिए वैक्सीन लगाने का काम शुरू हुआ तो अफवाहें फैलने लगी। किसने कहा कि पूरे ट्रायल के बगैर ही वैक्सीन को मार्केट में आने दिया गया, किसने कहा कि बीजेपी की वैक्सीन है, किसी ने मुसलमानों में अफवाह फैलाई कि इसमें सूअर की चर्बी मिली हुई है। कई जगह गांव देहात में लोग वैक्सीन लगाने वाले को मारने के लिए दौड़ते थे। तो पहले 10 करोड़ डोज लगाने में 85 दिन का वक्त लगा, लेकिन हेल्थ वर्कर्स ने, आशा वर्कर्स ने मेहनत की। जब कोरोना की सेकेंड वेव आई, लोग बड़ी संख्या में कोरोना के शिकार हुए, हॉस्पिटल्स में बेड नहीं मिल रहे थे, ऑक्सीजन कम पड़ने लगी, शमशान में लाशों के ढेर लगे, तो लोग डरे और तेजी से वैक्सीन के लिए दौड़े। उस समय एक साथ इतनी मांग हुई और प्रोडक्शन उतना नहीं था, तो लोग परेशान हुए, नाराज हुए, जल्दी वैक्सीन लगवाना चाहते थे। लेकिन वैक्सीन का प्रोडक्शन कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है, इसमें टाइम लगता है, इसे तुरंत बढ़ाया नहीं जा सकता। लेकिन अगस्त आते आते हमारे यहां दोनों वैक्सीन का प्रोडक्शन तेजी से बढ़ा। 27 अगस्त की डेट मुझे याद है, 1,08,00,000 डोज लगाई गई और 31 अगस्त को 1,41,00,000 वैक्सीन की डोज देश में लगी और आज 2,24,00,000 से ज्यादा वैक्सीन लगाकर एक नया रिकॉर्ड बन चुका है और यह सिस्टम प्रोसेस जारी है अभी। लेकिन जो लोग इस उपलब्धि को कम करके बताना चाहते हैं, उन्हें मैं कुछ फिगर्स समझाना चाहता हूं, आंकड़े दिखाना चाहता हूं। दुनिया भर में 175 देश ऐसे हैं, 175 मुल्क ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या 2 करोड़ से कम है, यानी आज एक दिन में जितने लोगों को वैक्सीन दी गई वो 175 लोगों की टोटल पॉपुलेशन से ज्यादा है। दूसरी बात, वैक्सीनेशन के मामले में भारत दुनिया में नंबर 1 पर है। 79 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज दी जा चुकी है। अब लोग पूछेंगे डबल डोज कितने लोगों को मिली, मैं आपको बता देता हूं, इस मामले में भी हम दुनिया में नंबर 1 है। हमारे देश में 18,80,00,000 लोगों को डबल डोज लग चुकी है। दूसरे नंबर पर अमेरिका है जहां 18 करोड़ लोगों को वैक्सीन के डबल डोज लगी है। इसके अलावा ब्राजील में 7.5 करोड़, जापान में 6.5 करोड़ और जर्मनी में 5,20,00,000 और इंग्लैंड में 4,40,00,000 और फ्रांस में 4,30,00,000 लोगों को डबल डोज लगी है। इसलिए हमने जो हासिल किया है, जो मुकाम हमें मिला है, उसे कम करके आंकना ठीक नहीं होगा। अब वैक्सीन अवेलेबल है और नवंबर तक 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लग जाएगी। यह हमारे जैसे बड़े देश की बड़ी विजय है। और जब पूरा देश वैक्सीनेशन में इन्वॉल्व था और पूरा देश मोदी के बर्थडे पर इस ड्राइव में हिस्सा ले रहा था, उस वक्त भी प्रधानमंत्री काम पर लगे हुए थे। मोदी ने आज दुनिया के सामने वो बात कही जो दुनिया के बड़े बड़े ताकतवर मुल्क कहने से घबरा रहे थे। मोदी ने आज वो स्टैंड लिया जो अमेरिका जैसा सुपर पावर नहीं ले सका। नरेंद्र मोदी ने आज मध्य एशियाई देशों के सुरक्षा सहयोग सम्मेलन यानी CSTO और SCO की ज्वाइंट बैठक में अफगानिस्तान पर भारत का क्लियर स्टैंड दुनिया के सामने रखा। पहली बार मोदी ने साफ साफ कहा कि अफगानिस्तान में जिस तरह से सत्ता परिवर्तन हुआ, पावर ट्रांसफर हुआ, वो दुनिया के लिए खतरनाक ट्रेंड सेट कर सकता है। मोदी ने कहा कि अगर अफगानिस्तान में अस्थिरता और कट्टरवाद रहेगा तो इससे पूरी दुनिया में आतंकवादी और उग्रवादी विचारधाराओं को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि अफगानिस्तान में जो हुआ है उससे आतंकवादी ग्रुप्स में हिंसा के जरिए सत्ता पाने की सोच बढ़ेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने अफगानिस्तान की नई सरकार को लेकर बड़ी बात कही। मोदी ने कहा कि अफगानिस्तान में सत्ता परिवर्तन इंक्लूसिव नहीं है और इस प्रोसेस में अफगानिस्तान के सभी वर्गों के साथ नेगोशिएशन नहीं किया गया। अफगानिस्तान की सरकार में महिलाओं की, अकलियतों की और दूसरे सभी वर्गों की भागीदारी भी जरूरी है।
इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यह है कि तालिबान की सरकार को दुनिया के कौन कौन से देश मान्यता देंगे। और यह सवाल इसलिए है क्योंकि तालिबान की सरकार में प्रधानमंत्री से लेकर मंत्री तक सब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की टेरर लिस्ट में है। तमाम देशों ने उन पर पाबंदियां लगाई हुई हैं, उन्हें ब्लैक लिस्ट में डाला हुआ है। ऐसे में आतंकवादियों की सरकार को मान्यता कैसी दी जाए, यह सवाल जायज है। इसीलिए आज प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को मान्यता देने पर ग्लोबल कम्युनिटी सोच समझ कर कलेक्टिव फैसला ले, और इस मामले में यूनाइटेड नेशंस को आगे आना चाहिए, एक्टिव रोल निभाना चाहिए। अफगानिस्तान में हाल के घटनाक्रम का सबसे अधिक प्रभाव हम जैसे पड़ोसी देशों पर होगा, और इसलिए इस मुद्दे पर क्षेत्रीय फोकस और क्षेत्रीय सहयोग बहुत ही आवश्यक है। अफगानिस्तान में सत्ता परिवर्तन इंक्लूसिव नहीं है और बिना नेगोशिएशन के हुआ है। इससे नई व्यवस्था की स्वीकार्यता पर सवाल उठते हैं। महिलाओं तथा अल्पसंख्यकों सहित अफगान समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व भी महत्वपूर्ण है, और इसलिए यह आवश्यक है कि नई व्यवस्था की मान्यता पर फैसला ग्लोबल कम्युनिटी सोच समझ कर और सामूहिक तरह से ले। इस मुद्दे पर भारत संयुक्त राष्ट्र की केंद्रीय भूमिका का समर्थन करता है। आज पहली बार नरेंद्र मोदी ने तालिबान के इशू पर खुलकर बात की, तालिबान का नाम नहीं लिया, तालिबान के प्रति किसी तरह की कोई नेगेटिव बात नहीं कही, लेकिन यह साफ कर दिया कि अफगानिस्तान में जो हुआ न वो ठीक था और जो हो रहा है न वो ठीक है। अफगानिस्तान की इंस्टेबिलिटी किसी के लिए अच्छी नहीं है। अफगानिस्तान में मिलिटेंसी दूसरों के लिए खतरा है। मोदी ने कहा कि अफगानिस्तान में जो हुआ या जो हो रहा है यह ठीक नहीं है। और इसके बाद मोदी ने एक और बड़ी बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि अफगानिस्तान में जो हुआ उससे सबक सीखना चाहिए। आतंकवाद को पालने पोसने वाले, दहशतगर्दों की मदद करने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी बननी चाहिए। और मोदी का इशारा सब समझ गए पाकिस्तान की तरफ था। पाकिस्तान में ही तमाम तालिबानी नेता छुपे रहे। हक्कानी नेटवर्क को पाकिस्तान ने ट्रेनिंग दी। अब पाकिस्तान हक्कानी नेटवर्क का इस्तेमाल करके कश्मीर में गड़बड़ी फैलाने की कोशिश में लगा हुआ है। इसीलिए मोदी ने कहा कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और टेरर फाइनेंसिंग जैसी एक्टिविटीज पर रोक लगाने के लिए एक कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए। साथ ही तय करना चाहिए कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल किसी भी देश में आतंकवाद फैलाने के लिए, दहशतगर्दी के लिए न हो। अगर अफगानिस्तान में अस्थिरता और कट्टरवाद बना रहेगा तो इससे पूरे विश्व में आतंकवादी और एक्सट्रीमिस्ट विचारधाराओं को बढ़ावा मिलेगा, अन्य उग्रवादी समूहों को हिंसा के माध्यम से सत्ता पाने का प्रोत्साहन भी मिल सकता है। हम सभी देश पहले भी आतंकवाद से पीड़ित रहे हैं, और इसलिए हमें मिलकर सुनिश्चित करना चाहिए कि अफगानिस्तान की धरती का उपयोग किसी भी देश में आतंकवाद फैलाने के लिए न हो। एससीओ के सदस्य देशों को इस विषय पर सख्त और साझा नॉर्म्स विकसित करने चाहिए। आगे चलकर ये नॉर्म्स वैश्विक एंटी टेरर सहयोग के लिए भी एक टेम्पलेट बन सकते हैं। ये नॉर्म्स आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस के सिद्धांत पर आधारित होने चाहिए। इनमें क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और टेरर फाइनेंसिंग जैसी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए एक कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए,
और इनके एनफोर्समेंट की प्रणाली भी होनी चाहिए। अब तक दुनिया के किसी लीडर ने अफगानिस्तान के हालात पर इस तरह से खुलकर बात नहीं की। प्रधानमंत्री मोदी ने अफगानिस्तान में इंस्टेबिलिटी को इस पूरे रीजन के लिए बड़ा खतरा बताया। मोदी ने कहा कि अफगानिस्तान में इंस्टेबिलिटी से ड्रग्स और गैर कानूनी हथियारों का कारोबार बढ़ेगा। प्रधानमंत्री ने सीएसटीओ और एससीओ की ज्वाइंट मीटिंग के में दुनिया को इस खतरे के बारे में आगाह किया जो अमेरिकी फौज के अफगानिस्तान छोड़ने से पैदा हुई है। अमेरिकी फौजी वापस चले गए लेकिन अपने पीछे एडवांस्ड हथियार गोला बारूद छोड़ गए हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा कि अफगानिस्तान में बड़ी संख्या में एडवांस हथियार रह गए हैं जिससे पूरे रीजन में इंस्टेबिलिटी का खतरा बना रहेगा। इससे ड्रग्स, अवैध हथियारों और ह्यूमन ट्रैफिकिंग का अनियंत्रित प्रवाह बढ़ सकता है। बड़ी मात्रा में एडवांस वेपन्स अफगानिस्तान में रह गए हैं। इनके कारण पूरे क्षेत्र में अस्थिरता का खतरा बना रहेगा। फ्लोस को मॉनिटर करने और इंफॉर्मेशन शेयरिंग बढ़ाने के लिए एससीओ रेड्स मैकेनिज्म्स सकारात्मक भूमिका निभा सकता है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और अफगानिस्तान के ऐतिहासिक रिश्तों की बात भी की, दोनों देशों के नागरिकों की दोस्ती की बात की। मोदी ने कहा कि अफगानिस्तान में जिस तरह के हालात हैं उससे वहां गंभीर मानवीय संकट ह्यूमन क्राइसिस खड़ा हो गया है। मोदी ने कहा कि भारत अफगानिस्तान के लोगों की मदद करना चाहता है। हम अफगानिस्तान के लोगों तक राशन भेजना चाहते हैं, दवाइयां भेजना चाहते हैं, लेकिन बदले हुए हालात में ये मुमकिन नहीं हो पा रहा। मोदी ने कहा कि सभी को मिलकर कोशिश करनी चाहिए जिससे अफगानिस्तान के लोगों को जरूरी चीजें मुहैया कराई जा सके। अफगानिस्तान में गंभीर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस का है। फाइनेंशियल और ट्रेड फ्लोज में रुकावट के कारण अफगान जनता की आर्थिक व्यवस्था बढ़ती जा रही है, साथ में कोविड की चुनौती भी उनके लिए यातना का कारण है। विकास और मानवीय सहायता के लिए भारत बहुत वर्षों से अफगानिस्तान का विश्वस्त पार्टनर रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर शिक्षा, सेहत और कैपेसिटी बिल्डिंग तक हर सेक्टर में और अफगानिस्तान के हर भाग में हमने अपना योगदान दिया है। आज भी हम अपने अफगान मित्रों तक खाद्य सामग्री, दवाइयां आदि पहुंचाने के लिए इच्छुक हैं। हम सभी को मिलकर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अफगानिस्तान तक मानवीय सहायता निर्बाध तरीके से पहुंच सके। अफगान और भारतीय लोगों के बीच सदियों से एक विशेष संबंध रहा है। अफगान समाज की सहायता के लिए हर क्षेत्रीय या वैश्विक पहल को भारत का पूर्ण सहयोग रहेगा। ये सारी बातें बहुत खास हैं और ध्यान से सुननी चाहिए, समझनी चाहिए। इस मीटिंग से पहले प्रधानमंत्री ने एससीओ यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक में भी अफगानिस्तान, कट्टरपंथ और उग्रवाद की बात की। मोदी ने कहा एक जमाने में सेंट्रल एशिया पूरी दुनिया के लिए व्यापार का केंद्र हुआ करता था, लेकिन एक दूसरे के प्रति अविश्वास ने इस रीजन का बहुत नुकसान किया है। मध्य एशिया के देशों में नौजवानों को रेडिकलाइज किया जा रहा है, कट्टरवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है और यह बहुत चिंता की बात है। इस बीमारी से सबको मिलकर लड़ना होगा। मोदी ने कहा कि कट्टरता के खिलाफ एससीओ के देशों को मिलकर काम करना चाहिए। इस क्षेत्र में सबसे बड़ी चुनौतियां शांति, सुरक्षा और ट्रस्ट डेफिसिट से संबंधित है और इन समस्याओं का मूल कारण बढ़ता हुआ रेडिकलाइजेशन है। अफगानिस्तान में
हाल के घटनाक्रम ने इस चुनौती को और स्पष्ट कर दिया है। इस मुद्दे पर एससीओ को पहल लेकर कार्य करना चाहिए। यदि हम इतिहास पर नजर डालें तो पाएंगे कि मध्य एशिया का क्षेत्र मॉडरेट और प्रोग्रेसिव कल्चर और वैल्यूज का एक प्रकार से घट रहा है। सूफीवाद जैसी परंपराएं यहां सदियों से पनपी और पूरे क्षेत्र और विश्व में फैली, इनकी छवि हम आज भी इस क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत में देख सकते हैं। मध्य एशिया की इस ऐतिहासिक धरोहर के आधार पर एससीओ को रेडिकलाइजेशन और एक्सट्रीमिज्म से लड़ने का एक साझा टेम्पलेट डेवलप करना चाहिए। भारत में और एससीओ के लगभग सभी देशों में इस्लाम से जुड़ी मॉडरेट, टॉलरेंट और इंक्लूसिव संस्थाएं और परंपराएं हैं। एससीओ को इनके बीच एक मजबूत नेटवर्क विकसित करने के लिए काम करना चाहिए। अब जरा भारत और पाकिस्तान का कॉन्ट्रास्ट देखिए। एससीओ समिट में जब प्रधानमंत्री मोदी बोल रहे थे तो पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान मोदी के बाद बड़े गौर से सुन रहे थे। इमरान को समझ आ रहा था किसके लिए कहा जा रहा है, क्यों कहा जा रहा है, मैसेज क्या है। लेकिन इसके बाद भी इमरान खान वही बोले जो तय करके आए थे, जो पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी है, आतंकवाद को सपोर्ट करना है, तालिबान से हमदर्दी दिखानी है, तालिबान को इस्लाम और इंसानियत का पैरोकार बताना है। इमरान ने यही किया। एससीओ की मीटिंग में इमरान खान ने कहा कि अफगानिस्तान में जो हुआ वो अच्छा हुआ, बिना खून खराबे के हुआ। अब इस हकीकत को दुनिया को मान लेना चाहिए कि अफगानिस्तान में सत्ता बदल चुकी है, अफगानिस्तान में तालिबान का राज है। इसलिए तालिबान के बारे में नुक्ताचीनी करने के बजाय पूरी दुनिया को अफगानिस्तान की मदद करनी चाहिए जिससे वहां के लोगों को रोटी मिल सके। अफगानिस्तान इज राइटफुली द फोकस ऑफ आवर अटेंशन इन व्यू ऑफ द रीसेंट डेवलपमेंट्स। द सडन चेंज ऑफ द प्रीवियस रेजिम व्हिच टुक एवरीवन बाय कंप्लीट सरप्राइज, द टेक ओवर बाय तालिबान and the full withdrawal of foreign forces has established a new reality in Afghanistan. That all this happened without bloodshed, without civil war, without mass exodus of refugees, should be a matter of relief to all of us. It is now in the international community's collective interest to ensure that there is no renewed conflict in Afghanistan. And the security situation is stabilized. Equally urgent priorities are to prevent a humanitarian crisis and an economic meltdown. इमरान खान की बातें सुनकर साफ लगता है कि क्यों पाकिस्तान दुनिया में आतंकवाद को सपोर्ट करने के लिए, पनाह देने के लिए बदनाम है। लेकिन मोदी ने जो कहा उसमें सबसे अच्छी बात मुझे यह लगी कि अफगानिस्तान में जिस तरह से सत्ता परिवर्तन हुआ बंदूक के दम पर, अगर उसे मान्यता मिली तो आतंकवादी ग्रुप्स को लगेगा कि वो हिंसा के जरिए सत्ता पा सकते हैं। ऐसे जब सत्ता परिवर्तन होता है तो इससे लोकतंत्र का बड़ा नुकसान होता है। इसलिए इस पर पूरी दुनिया की लोकतांत्रिक शक्तियों को, डेमोक्रेटिक फोर्सेस को सोचना चाहिए। जब कोई कहीं सरकार मारकाट के दम पर, बंदूक के दम पर बनती है जिसमें लोगों की हिस्सेदारी नहीं होती, जब कोई ऐसी सरकार बनती है जिसमें लोगों में सिर्फ डर और खौफ होता है, तो फिर आतंकवादी शक्तियों को, उग्रवादी विचारधारा वाली शक्तियों को ताकत मिलती है, जो पूरी दुनिया के लिए बड़ा खतरनाक ट्रेंड है। मोदी ने आज जो कहा इसका बड़ा मतलब है, क्योंकि आज कहीं से यह खबर आती है कि पाकिस्तान तालिबान की मदद से कश्मीर में दहशतगर्दी फैलाएगा, कब यह खबर आती है कि अलकायदा अफगानिस्तान में रीग्रुप होकर अमेरिका पर एक और हमला करेगा। ऐसी सारी बातें इस बात की तरफ इशारा करती है कि जब किसी देश में सिस्टम टूटता है, जब किसी देश में ऐसी सरकार बनती है जिसमें आतंकवादी शामिल हो,
तो ये पूरी दुनिया के लिए कितना बड़ा खतरा है। और आज मोदी ने जो कहा, वो चिंता जाहिर की, वो उसे सही साबित करने के लिए आज कई सबूत पाकिस्तान में ही मिल गए। तालिबान की हिमायत का पाकिस्तान में क्या असर हो रहा है, इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊंगा। पाकिस्तान से आज जो तस्वीरें आई हैं, वहां के मीडिया में जो देखा और सुना, वो ये समझने के लिए काफी है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अफगानिस्तान के हालात पर चिंता क्यों जताई, कट्टरपंथियों और उग्रवादियों पर नकेल कसने की जरूरत क्यों बताई। अफगानिस्तान में अब तालिबान शरिया लागू करने के नाम पर महिलाओं पर जुल्म कर रहा है, महिलाओं को बुर्का और हिजाब पहनने के लिए मजबूर कर रहा है, और ये सब जानते हैं कि ये सब इस्लाम के नाम पर किया जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि अब पड़ोस में पाकिस्तान में भी हिजाब को लेकर एक नई डिबेट शुरू हो गई है। पाकिस्तानी टीवी चैनल्स पर इस बात पर बहस हो रही है कि पाकिस्तानी महिलाओं को भी हिजाब पहनना चाहिए, बुर्का पहनना चाहिए, क्योंकि ये इस्लामिक कल्चर का हिस्सा है। आज मैं ये देखकर हैरान रह गया कि एक पाकिस्तानी न्यूज चैनल के एंकर ने न्यूज बुलेटिन के दौरान हिजाब पहना और फिर हिजाब पहनकर खबरें पढ़ी, और ये सब इसलिए किया गया जिससे हिजाब पहनने की मांग को सपोर्ट किया जा सके, ये साबित किया जा सके कि हिजाब पहनने से महिलाओं की आजादी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हिजाब रहने वाली खवातीन के लिए हिजाब यकीनन हमारे इस्लामिक कल्चर का हिस्सा है, मुझे इस पर फख्र है। मैं हिजाब नहीं करती, लेकिन हिजाब करने वालों को कभी भी किसी भी तौर पर एबनॉर्मल नहीं कह सकती, नहीं समझ सकती। इसीलिए मैं आज के शो में ये हिजाब पहन कर बैठूंगी। आज का पूरा शो नाज़रीन इस हिजाब के साथ ही करूंगी। यकीनन नाज़रीन, हिजाब करने वाली ख़वातीन भी इसी तरह नॉर्मल होती हैं जैसा कि हिजाब न करने वाली। इसे पहनने के बाद ना मेरे लफ्ज़ों में कोई कमी आएगी और ना ही मेरी सोच में कोई तब्दीली आएगी। ये एक अलामती तौर पर ये अटायर मैंने अपनाया था ताकि ये मैसेज जो दुनिया भर को दिया जाना चाहिए, या उन लोगों को जो इस तरह की बातें कर रहे होते हैं उनको ये मैसेज जाए कि हिजाब पहनने से सोच में या लफ्ज़ों में कोई तब्दीली नहीं आती। अब चूंकि पाकिस्तान में हिजाब को इस्लाम से जोड़ा गया और अफगानिस्तान की तर्ज पर पाकिस्तान में भी शरिया को लागू करने की बात की गई, इसलिए पाकिस्तान की राजनीतिक पार्टियों ने भी इसे सपोर्ट किया। पीएमएल की नेता और सिंध प्रोविंस में असेंबली के मेंबर नुसरत सहर अब्बासी भी डिबेट में बुर्का पहनकर आई और उन्होंने हिजाब पहनने को कैसे जस्टिफाई किया, यह भी हमें देख लेना चाहिए। लोग ये समझते हैं कि जो हिजाब या जो शरई पर्दा है जो खवातीन या बच्चियां इसमें आती हैं तो फिर वो बात नहीं कर पाएंगी, उनके अंदर जो सलाहियतें हैं वो इसका किस तरह इजहार करेंगी। तो मैं उसके जिंदा मिसाल आपके सामने हूँ। नुसरत सहर अब्बासी की आवाज में, लहजे में, किरण आपको कोई कमी महसूस हो रही है क्या? किरण के साथ बात करते हुए नुसरत सहर अब्बासी का लहजा पहले वैसा है या अब नहीं है? क्या चेहरा आपकी सलाहियतें बताएगा, आपके अंदर क्वालिटीज या आपकी आवाज या आपके अंदर जो सलाहियत खुदा ने आपके दिमाग में दी है जी, उससे जी, आपको तमाम चीजें बता सकती हैं। क्या क्या पायलट जब एक खातून जहाज उड़ाती है तो क्या वो पायलट का चेहरा जहाज उड़ाने में उसकी हेल्प करेगा, या उसके अंदर जो सलाहियत होगी या जो क्वालिटी होगी वो उस, अब एक चीज मैं सवाल करती हूँ किरण। इस वक्त कोविड आ चुका है पूरी दुनिया में और सब खवातीन और मर्दों के आधे चेहरे तो मास्क ने ढांप दिए हैं, ऐसा है या नहीं है? बिल्कुल। अब ये भी समझ लीजिए कि पाकिस्तान में हिजाब पर डिबेट क्यों शुरू हुई। पाकिस्तान तो इस्लामिक मुल्क है, महिला हिजाब पहनती हैं, ये उनकी अपनी चॉइस है, तो फिर बहस का क्या मतलब? इसकी वजह सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। असल में पाकिस्तान के साइंटिस्ट परवेज हदबाई ने अचानक पाकिस्तान में बुरके और हिजाब के बढ़ते चलन पर आपत्ति जताई। परवेज इस्लामाबाद की कायदे आजम यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे हैं। उनका कहना था कि अचानक से यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में लड़कियां भी हिजाब पहनने लगी हैं, जबकि पाकिस्तान ऐसा नहीं था। ये बदलाव ठीक नहीं है, लड़कियों को भी वक्त के हिसाब से जीने का हक होना चाहिए। बस उनकी इसी बात पर विरोध शुरू हो गया और न्यूज चैनल्स पर बहस शुरू हो गई। मैंने कायदे आजम यूनिवर्सिटी में 73 से पढ़ाना शुरू किया, तो उस वक्त यानी कि 47 साल पहले वहां एक लड़की भी आपको बमुश्किल बुरके में दिखाई देती थी।
देती थी। right. अब तो हिजाब बुरका आम हो गया है, आपको नॉर्मल लड़की तो शाज और नादरी उधर नजर आती है। जब आप औरत को एक कम दर्जा देते हैं, जब आप उसको ये दिखाते हैं कि बस वो खाना पकाती है या सफाई करती है, तो फिर औरत का जो अपना सेल्फ इमेज है वो एक प्रोफेशनल का नहीं बनता, वो एक साइंटिस्ट का नहीं बनता। अब हम उनको कैसे साइंटिस्ट बनाएं, उनको कैसे इंजीनियर बनाएं, जब वो समझती है कि मेरे मुकद्दर में तो सिर्फ ये है कि मैं घर जाके मियां के लिए खाना पकाऊंगी। औरत को, लड़की को बस एक घर के अंदर बंद होना चाहिए, उसका दर्जा अदना है। राइट, इस पे तो मुझे शदीद एतराज है। ये तो पाकिस्तान, ये इधर तो तालिबानाइजेशन की कोशिश है, हमें तो अफगानिस्तान बनाने की कोशिश की जा रही है यहां पर इमरान खान की हुकूमत में। असल में पाकिस्तान की महिलाएं बुर्का पहने, हिजाब पहने, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये उनका अपना फैसला है, ये उनका हक है, ये महिलाओं का अपनी पसंद और नापसंद का मसला है। लेकिन अगर अफगानिस्तान का हवाला देकर, इस्लाम का हवाला देकर महिलाओं को हिजाब पहनने के लिए मजबूर किया जाए वो ठीक नहीं है, क्योंकि इसी तरह से कट्टरपंथियों को बढ़ावा मिलता है, इसी तरह के मामलों से उग्रवादियों के हौसले बढ़ते हैं। क्योंकि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के हालात से सबक सीखने के बजाय तालिबान का सपोर्ट शुरू कर दिया है, पाकिस्तान भी तालिबान के रास्ते पर चल पड़ा है, इसका क्या असर हो रहा है, पाकिस्तान को इसकी वजह से कैसे एम्बेरसमेंट झेलनी पड़ी है। मैच से कुछ मिनट पहले न्यूजीलैंड की टीम मैदान छोड़कर क्यों चली गई, क्रिकेट मैच शुरू होने से कुछ मिनट पहले न्यूजीलैंड की टीम ने सिक्योरिटी का हवाला देकर मैच खेलने से इनकार कर दिया। न्यूजीलैंड की टीम 18 साल के बाद पाकिस्तान के दौरे पर आई थी, आज रावलपिंडी में 2:30 बजे से मैच शुरू होना था, सारी तैयारियां हो चुकी थी, दर्शक पहुंच चुके थे, लेकिन अचानक मैच रद्द करना पड़ा, न्यूजीलैंड की टीम ने खेलने से इनकार कर दिया। न्यूजीलैंड की सरकार को आतंकवादी हमले का इंटेलिजेंस इनपुट मिला था, इसकी वजह से मैच से आधे घंटे पहले टीम को मैदान में उतरने से रोक दिया गया, न्यूजीलैंड की टीम ने सीरीज न खेलने का फैसला किया, मामला इमरान खान तक पहुंचा, उस वक्त इमरान खान तजाकिस्तान में थे। इमरान खान ने न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर से बात की, उनसे गुजारिश की कि वो अपने देश की टीम को समझाएं, मैच खेलने के लिए राजी करें। इमरान खान ने जैसिंडा अर्डन से कहा कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज दुनिया की बेस्ट एजेंसीज हैं, और जो इनपुट मिल रहा है उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि न्यूजीलैंड की टीम को कोई खतरा नहीं है। लेकिन इसके बावजूद बात नहीं बनी, न्यूजीलैंड की टीम अपने होटल से बाहर नहीं निकली। न्यूजीलैंड को इस सीरीज के दौरान 3 वनडे और 5 T20 मैच खेलने थे। हैरानी की बात है, आज पहला वनडे मैच दोपहर 2:30 बजे रावलपिंडी में खेला जाना था। पहला मैच रावलपिंडी के लिए इसलिए चुना गया था क्योंकि इसी शहर में पाकिस्तानी फौज का हेडक्वार्टर है। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि रावलपिंडी में आर्मी के हेडक्वार्टर होने की वजह से न्यूजीलैंड की टीम वहां सेफ फील करेगी। न्यूजीलैंड टीम को प्रेजेंट लेवल की सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई थी, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम ने कह दिया कि उन्हें जो सिक्योरिटी अलर्ट मिले हैं उनके मुताबिक टीम की सिक्योरिटी को खतरा है और ऐसे माहौल में मैच खेलना मुमकिन नहीं हो पाएगा। इमरान खान इस वक्त देश से बाहर हैं, इसलिए इस मुद्दे पर पाकिस्तान का पक्ष सामने रखने के लिए होम मिनिस्टर शेख राशिद सामने आए। शेख राशिद ने कहा न्यूजीलैंड की टीम की सिक्योरिटी के लिए पुलिस के अलावा फौज को लगाया गया था। न्यूजीलैंड के सामने पेशकश की गई थी कि मैच बिना दर्शकों के कराए जाएंगे, फिर भी न्यूजीलैंड ने टूर कैंसिल कर दिया। एसएसजी मौजूद थी, इन्फेंट्री मौजूद थी, 4,000 पुलिस के लोग थे। फिर हमने उनको इस बात पे भी राजी करने की कोशिश की कि बगैर तमाशाइयों के ये मैच खेला जाए। जब इस पर भी वो राजी ना हुए तो हमारे मुल्क के जिम्मेदारों ने प्राइम मिनिस्टर साहब से ताजिकिस्तान में बातचीत की। ताजिकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर साहब को, इमरान खान साहब को सारी सूरत हाल से आगाह किया गया। वज़ीर आज़म साहब ने न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर से बात की और उन्हें कहा कि हमारे मुल्क में अमन व अमान बेहतरीन है और हम गारंटी देते हैं कि यहाँ कोई सिक्योरिटी का मसला नहीं है,
कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है। लेकिन न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि थ्रेट का मसला नहीं है, लेकिन हमें इस किस्म की इतला है कि जब टीम बाहर निकलेगी तो बाहर उस पर कोई हमला हो सकता है। सो इसलिए उन्होंने यकतरफा तौर पर अपना ये दौरा जो है मनसूख कर दिया। आतंकवादी हमले के इंटेलिजेंस इनपुट को देखकर न्यूजीलैंड की टीम ने पाकिस्तान में मैच खेलने से इनकार किया, लेकिन पाकिस्तान के होम मिनिस्टर ने इसका इल्जाम भारत के सिर पर मढ़ने की कोशिश की। शेख रशीद ने कहा कि एक साजिश के तहत न्यूजीलैंड टीम का दौरा रद्द कराया गया। शेख रशीद ने तो सिर्फ इशारा किया था, लेकिन वहां मौजूद एक रिपोर्टर ने सवाल पूछ लिया, क्या यह टूर कैंसिल होना इंडियन साजिश है? तो शेख रशीद ने कहा कि पाकिस्तान की इमेज खराब करने के लिए साजिशन यह दौरा रद्द करवाया गया। ये एक दुस्ताने पहने हुई बुनियादों पर इस दौरे को एक साजिश के जरिए मुलतवी किया, खत्म किया गया। ये अब उनका मसला है कि वो इस सिलसिले में क्या फैसला करते हैं। जो हमारी नेशनल मैनेजमेंट क्राइसिस सेल है और नैप है, उन तमाम लोगों ने भी काफ़ी काम किया है, अदारों ने काम किया है, उनको राज़ी करने की कोशिश की है, लेकिन ये न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट ने अपने ताई ये फैसला किया कि वो ये दौरा मनसूख करते हैं। देखें, जिसकी भी साजिश है मुझे नाम लेते हुए मुनासिब नहीं है। हम एक जिम्मेदार मुल्क हैं, हमारी ख्वाहिश है कि यहाँ क्रिकेट खेला जाए। क्रिकेट के बहुत बड़े शौकीन हैं और ख़ुद प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने वर्ल्ड कप जीता है दुनिया में, लेकिन ये हमारी जो कोशिशें हैं, हमारी जो कावशें हैं इस खित्ते में अमन की खातर, जो हमारा इमेज बिल्डअप होने जा रहा है उसको नुकसान पहुंचाने के लिए ये दुस्ताने पहने हुए हाथों ने साजिश की है। यस, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज राजा ने सीरीज रद्द होने पर अफसोस जताया, लेकिन इसके बाद रमीज राजा ने धमकी देने वाले अंदाज में कहा कि न्यूजीलैंड की टीम किस दुनिया में रह रही है, हम उसे आईसीसी में देख लेंगे। कुछ इसी तरह की धमकी पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर शोएब अख्तर ने भी दी। शोएब अख्तर ने कहा अगर वो पीसीबी में अफसर होते तो न्यूजीलैंड को दिखा देते इस तरह दौरा रद्द करने का मतलब क्या होता है। पहली बात तो ये है, न्यूजीलैंड साहब और उनकी बोर्ड को मैं मैसेज देना चाहता हूँ, ये कोई क्लब की टीम नहीं है, कोई आगे पीछे की टीम नहीं है, ये पाकिस्तान की नेशनल टीम है। और दूसरा मुझे गुस्सा इस चीज़ का है कि आपने धमकी किस चीज़ की दी है हमें। यू टॉकिंग अबाउट द पाकिस्तान, द ग्रेटेस्ट कंट्री ऑन दिस प्लैनेट, सो बिहेव योरसेल्फ एंड स्टॉप गिविंग दिस सॉर्ट ऑफ स्टेटमेंट अगेंस्ट पाकिस्तान, टूर खत्म कर देंगे। सो बी केयरफुल फॉर व्हाट यू से नेक्स्ट टाइम, बिकॉज यू नो ये बर्दाश्त से बाहर चीज़ होती है कि आप किसी मुल्क की और नेशनल टीम के बारे में आप बात करें। अगर मैं इनकी जगह होता ना, मैं देता इनको स्टेटमेंट तो लगती समझ इनको न्यूजीलैंड को भी ठीक है। अगर तुम्हें स्टेटमेंट दी चलो वापस, नहीं खेलना मैं तुमसे, और काटा लगाओ यहाँ पे, 5 साल नहीं खेलते तुम्हारे साथ, तो ये इस किस्म की स्टेटमेंट देने से पहले सोचना चाहिए। और ये बैठे हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बात करना नहीं आती, हर वक्त नीचे लगे रहते हैं, हाथ बांध के खड़े रहते हैं। सो चलो गुड लक है इन लोगों की कि मैं नहीं, मैं होता मैं देता जवाब इनको, मैं और मैं अपनी एंटिटी खड़ी करता यार। शोएब अख्तर जवाब देना चाहते हैं, धमकी देना चाहते हैं, लेकिन एक बात साफ है, न्यूजीलैंड की टीम को इंटेलिजेंस इनपुट मिला, उनकी सिक्योरिटी को खतरा है, तो पाकिस्तान में खेलने का रिस्क कैसे उठा सकते थे? पाकिस्तान में दहशतगर्दी का क्या हाल है, ये कोई सीक्रेट तो है नहीं। आतंकवादी चाहे अलकायदा के हों या तालिबान के, पाकिस्तान में उन्हें पनाह मिलती है। अमेरिका ने पिछले दिनों में कई बार कहा है कि पाकिस्तान आतंकवाद का बड़ा केंद्र बना हुआ है, लेकिन पाकिस्तान के क्रिकेटर्स और पाकिस्तान की मीडिया के कुछ लोग ये कहना चाहते हैं कि भारत की साजिश है। उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड के प्लेयर आईपीएल खेलने दुबई जाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सिक्योरिटी का बहाना बनाया। लेकिन इसका सच भी मैं आपको बता दूं, आईपीएल में खेलने वाले न्यूजीलैंड के जितने भी टॉप प्लेयर्स हैं, केन विलियमसन हो या ट्रेंट बोल्ट हो, टिम सऊदी हो, जिमी निशाम हो, लॉकी फर्ग्यूसन हो, ये सारे के सारे आईपीएल खेलने के लिए पहले ही दुबई पहुंच चुके हैं। न्यूजीलैंड की जो टीम पाकिस्तान में है वो न्यूजीलैंड की बी टीम है, उसमें कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो आईपीएल की किसी टीम में हो।
इसलिए पाकिस्तान के क्रिकेटर्स को यह समझना चाहिए कि न्यूजीलैंड की टीम अगर वापस गई तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की सूरत हाल जिम्मेदार है। और अब तो यह लगता है कि इंग्लैंड को भी अपना पाकिस्तान का दौरा रद्द करना पड़ेगा। अब वक्त है हमारी स्पेशल रिपोर्ट का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर इंटरनेशनल एजेंसी ने एक नई रैंकिंग जारी की है। वर्ल्ड लीडर्स में नरेंद्र मोदी की रैंकिंग कहां पहुंची, इस पर स्पेशल रिपोर्ट देखने के लिए चलते हैं पंकज भार्गव के पास। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।